फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिया। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंग्री मॉन्स्टर में। तो आज कुछ हमने नया करने का प्लान किया, तो सोचा कि क्या खाएं क्या खाएं, तो फिर बर्गर याद आया। सो हमने क्या किया, मैकडी और बर्गर किंग दोनों के ही बर्गर अच्छे रहते हैं और हमें टेस्टी भी लगते हैं, बट कभी एक साथ दोनों को लेके ना चैलेंज किया है ना रिव्यू किया है। तो सोचा कि आज क्यों ना बर्गर किंग और मैकडी दोनों का ही ऑर्डर किया जाए, बर्गर ऑर्डर किया जाए और आपको एक अच्छा सा रिव्यू भी दिया जाए। सो मैंने दोनों का ही इकोनॉमिक जो मील रहता है, रेगुलर मील रहता है, वो ऑर्डर किया है, जिसमें आपको एक मीडियम बर्गर, मीडियम फ्राइज और कोक मिलती है। तो देखते हैं दोनों का रिव्यू कैसे रहता है, क्या प्राइस रहा है दोनों का, टेस्ट कैसा है, वो सब मैं आपको फीडबैक देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में आगे चलते हैं। मैकडी का भी है और बर्गर किंग का भी है। तो मैकडी का मैंने टोटल, मेरे को जो बिल आया है वो आया है 175 रुपीज इंक्लूडिंग GST, और बर्गर किंग का जो बिल है वो 151 है। तो एज कम्पेयर टू, अगर प्राइस देखें तो बर्गर किंग का जो प्राइस है वो मैकडी से कम है। तो ये तो रही प्राइस की बात, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, बट टेस्ट से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो चलिए अभी हम इसकी टेस्टिंग और अनपैकिंग करते हैं। फ्राइज, टिश्यूज और हमारा फेवरेट मैक आलू टिक्की, केचप नहीं है फ्रेंड्स। देखते हैं अभी बर्गर किंग ने क्या भेजा है। मील तो मैंने सेम ही ऑर्डर किया है दोनों से, क्रिस्पी वेज आलू रहता है, उसका मैक आलू टिक्की रहता है, बस नाम का ही डिफरेंस है। सॉरी, अनपैकिंग थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है और इन्होंने टेस्ट कुछ ऐसा किया कि प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इसको फाड़ना ही पड़ेगा। ओके, तो जो फाइनली ये फट चुका है तो देखते हैं। यहाँ पे कुछ टिश्यूज हैं, बर्गर हमारा, यहाँ पे हमारे फ्राइज जो कि गिर चुके हैं थोड़े से, और इन्होंने केचप भी दिया है। इन टर्म्स ऑफ पैकिंग किसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी है? आपसे बोलूं तो मिस्टर कैमरामैन, मुझे अभी तक मैकडी की पैकिंग ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि ये प्रॉपरली पैक्ड है अगर आप देखो तो। और ये जैसे कि ये गिर गया था, ये ऐसे खुला था, बट हाँ केचप यहाँ पे है, इसमें केचप नहीं है। और इसकी पैकिंग खोलनी मुश्किल भी हो रही है, क्योंकि मतलब अगर हम सोचें कि मैकडी की पैकिंग खोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ओके, तो बर्गर किंग ने ग्लास में कोक नहीं दिया है, उन्होंने एक टिन दिया है। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी प्लेट सेटअप कर लिया है, जहां पे मैंने अपने लेफ्ट साइड पे रखा है बर्गर किंग का मेन्यू, फ्राइज, बर्गर एंड कोक, केचप, जो कि मुझे यहाँ पे केचप नहीं मिली थी तो मैंने घर की केचप यूज़ कर ली है, क्योंकि मुझे बिना केचप के मुझसे खाया नहीं जाता सीरियसली। सो अभी मैं आपको फ्राइज़ दिखाती हूँ। इनके ये फ्राइज़ हैं, ये बहुत पतले पतले हैं, अभी क्रिस्पी तो नहीं है क्योंकि ऑर्डर किया है, तो क्रिस्पी तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ गर्म ज़रूर है, थोड़े सॉगी हैं हल्के से। अभी टेस्ट मैं करती हूँ और बताती हूँ आपको। टेस्ट अच्छा है फ्रेंड्स, अभी मैं एक बारी नॉर्मली मैकडी का खाते तो टेस्ट तो सही रहता है, बट अभी कंपेयर करने में कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी बारी है बर्गर किंग की फ्राइज की। बर्गर ये स्लाइसेस मैकडी से तो बड़े ही हैं, इनका टेस्ट कुछ अलग सा है। आप लोग सोच रहे होंगे फ्राइज में क्या टेस्ट अलग हो सकता है, बट एज कंपेयर टू मैकडी
अगर मुझे नंबर देने हैं तो मैं बर्गर किंग के फ्राइज को नंबर दूंगी, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे मैकडी के फ्राइज से अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, फ्राइज के बाद अब बारी आती है बर्गर की। तो ये है मैकडोनल्ड्स का हम सबका फेवरेट मैक आलू टिक्की बर्गर। तो इसका ये बन है जो कि सॉफ्ट है, अंदर हमें इनकी वही जो मैकडी की फेमस सॉस रहती है, एक अनियन है, टिक्की है, टिक्की क्रिस्पी लग रही है बट कोई टोमेटो वगैरह और वेजीज नहीं है इसमें। सो अभी मैं इसका आपको टेस्ट रिव्यू देती हूँ। जैसे बताया मुझे बिना केचप के नहीं पसंद, सो आई वॉन्ट केचप। वैसे मैंने इसका बर्गर बहुत बार ही खाया है बट आज मुझे इतना टेस्टी नहीं लग रहा। जो पैटी है थोड़ा मतलब ऐसे लग रहा है प्रॉपरली कुक नहीं है। मैं इसका एक बाइट और लेके देखती हूँ। चिल्ड्रन से वो फील नहीं, वो टेस्ट नहीं आ रहा जो मैकडी के बर्गर्स में पहले हुआ करता था। मे बी इनको थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने टिक्की पे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए क्योंकि वेजीज नहीं है सिर्फ। वैसे इससे अच्छा तो बर्गर हमें लाइक रोड साइड पे मिल सकता है। मैं सच्ची बोल रही, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। तो अभी हम ट्राई करते हैं बर्गर का क्रिस्पी वेज बर्गर। इसका बन देखते ही आप देखिए दोनों में डिफरेंस। फ्रेंड मैं फिर से बोल रही हूँ, पेड वीडियो नहीं है, मुझे किसी ने इसके लिए बोला नहीं है। जोन सा मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसके लिए प्रॉपर रिव्यू दूंगी। आगे हर किसी के टेस्ट पर डिपेंड है। अगर आपको कोई और पसंद हो तो आपको मैकडी पसंद हो मैकडी के लिए जा सकते हैं, कोई बर्गर किंग पसंद हो वो बर्गर किंग के लिए जा सकते हैं। सो इसका ये टिक्की है जिसमें सेसमी सीड्स हैं बर्गर के ऊपर, सेम टिक्की एंड अनियन सॉस इज ऑल्सो सेम, बट इसकी केचप सॉस थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैकडी बर्गर। और नीचे सेम। चलो अब इसका टेस्ट टेस्ट करते हैं। केचप मैं अपने घर वाली यूज कर लेती हूँ कि ऑलरेडी है तो दोबारा क्यों खोलना। सो फ्रेंड्स, बर्गर किंग का बर्गर मैंने भी टेस्ट किया है, मैंने इसकी भी 2 बाइट्स ली है बट ये मुझे एज कम्पेयर टू मैकडी बर्गर बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा। नंबर 1, इसकी सॉस बहुत अच्छी थी, सॉस की क्वांटिटी ज़्यादा थी, टिक्की का टेस्ट एकदम क्रिस्पी है और टेस्ट एकदम बहुत अच्छा है, क्रिस्पी भी है अच्छा भी है, और इसका जो बन है वो भी बहुत सॉफ्ट, सेसमी सीड्स का जो अलग से फ्लेवर आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। सो ये नंबर भी जाता है बर्गर किंग को। तो अभी तक पैकेजिंग के मामले में सिर्फ मैकडी आगे था। 2 टेस्ट किए मैंने, फ्राइज के और बर्गर के, दोनों के नंबर गए हैं बर्गर किंग को। सो अभी फाइनली कोक में तो आई थिंक कोई टेस्ट टेस्ट बनता नहीं है बट फिर भी ट्राई करेंगे। तो ये मैगडी की कोक है, आई थिंक 70% आइस है इसमें। तो फ्रेंड कोक मैंने ये अभी टेस्ट की है, सिप लिया है मैंने, सिप लिया तो कोक की ऑलमोस्ट गैस तो निकल गई थी क्योंकि ये मतलब ग्लास में आई है, जबकि अगर टिन की बात करें तो टिन जैसे ही खोलोगे तो प्रॉपर गैस से मिलेगी आपको, तो इसलिए मैं अभी खोल नहीं रही हूँ, मेरा पीने का बिल्कुल मन नहीं है तो ये मैं बाद में पीऊंगी। तो फ्रेंड्स टेस्ट रिव्यू तो मैंने आपको दे दिया। सो मेरे हिसाब से क्लियर विनर तो बर्गर किंग है। आप टेस्ट कीजिए, आप बताइए आपको कौन से अच्छा लगता है, आप भी जाके टेस्ट कीजिए आपको कौन सा पसंद आता है, बर्गर किंग या मैकडी, आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। फ्रेंड्स ये अभी हमने नया चैनल खोला है, आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, हम आशा करते हैं हमें और प्यार मिले। प्लीज हमारे चैनल हंगरी मॉन्स्टर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, जितना ज्यादा हो सके अपना प्यार दें। और आप कमेंट में लिख के बताइए कि आप और क्या चैलेंज देखना चाहते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी तो जैसे हम बैंगलोर में हैं तो बैंगलोर में क्या क्या चीजें फेमस हैं, क्या क्या फूड जॉइंट्स अच्छे हैं, हम कोशिश करेंगे आप तक सब कुछ पहुंचाएं, सारे रिव्यू पहुंचाएं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं पे जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना है। और मैं क्या कह सकती हूँ, और तो बस और तो कुछ नहीं सोचा अभी, बट जितना प्यार इस चैनल को मिलेगा हम कोशिश करेंगे आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएं।
आप कंपैरिजन की वीडियो देना चाहते हैं, आप कंपैरिजन की वीडियो के लिए कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई चैलेंज करें, लाइक 20 रुपीज 50 रुपीज में आप पूरे दिन में क्या खा सकते हैं, क्या क्या मिल सकता है बैंगलोर में 20 रुपीज में, 50 रुपीज में, 100 में, आपको जो चाहिए प्लीज कमेंट कीजिए। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारा साथ दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हंग्री मॉन्स्टर को।